नहीं दिया वो समय हमारे लिए कितना कीमती था। इस दुनिया में कोई भी ये नहीं बता सकता कि बिना माँ की मदद से पहली करवट फलानी तारीख को ली मैंने, कोई भी नहीं बता सकता, इम्पॉसिबल है। उसके बाद कब मैंने थोड़ा प्रयास किया, करवट ली, फिर थोड़ा सा मैं बैठने का प्रयास किया, फिर मैं बैठा, फिर मैंने चलने का प्रयास किया, फिर मैं थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाया, मेरी माँ ने मेरी उंगली पकड़ी, मुझे चलना सिखाया। क्या कोई बता सकता है किस तारीख को मैंने चलना सीखा? बता सकता है कोई? कोई बता सकता है मैंने फलानी डेट को स्कूल में आना शुरू किया? क्योंकि कई बार पेरेंट्स कहते हैं गुरुजी आए थोड़े दिन, उनको भी नहीं पता किस दिन पहली बार स्कूल लेके आए। उसके बाद कह किस दिन सीखा आपने? नहीं पता। किताब पढ़नी कब सीखी? नहीं पता। आप युवा किस दिन हो गए? वे किशोर हो गए, फिर युवा हो गए, किस दिन हुए, किस तारीख हुए? आपके सिर में पहला सफेद बाल किस दिन आया? यानी आपके बूढ़े होने की शुरुआत किस डेट को हुई? पता नहीं है ना। इसीलिए समय को कहते हैं समय बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको ये प्राणी बता रहा है टाइम इज सुपर प्रेशियस, सुपर सुपर के बाद कुछ भी नहीं होता है। आप प्रश्न में लिखते हो इंपॉर्टेंट, आपके लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी अलर्ट, थोड़ी अलर्ट होगी, वेरी इंपॉर्टेंट है देख लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा और उसको देखो, हाँ मोस्ट है, परीक्षा में आज का है, सर ने कहा है, थोड़ा और देखो इसको। हम ये कह रहे हैं आपके लिए सिर्फ वो एक जानकारी है, क्यों सिर दर्द मोड़ ले रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इससे कोई फर्क पड़ेगा? आप उस जानकारी को हासिल करो, उस जानकारी को प्राप्त करो, और वो सारा काम कौन कर सकता है? समय कर सकता है। समय को अहमियत दोगे, समय को वेस्ट करना बंद करोगे, समय की इंपोर्टेंस को समझोगे, समय को सुपर समझोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इनको सारी जानकारियों को बेटा सहजता से लो। आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि ये चीज ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है, परीक्षा में आए न आए कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसकी जानकारी है। आपके दिमाग के अंदर खरबों न्यूरॉन है, न्यूरॉन बहुत छोटी अदृश्य इकाई, छोटी से छोटी चिप मान सकते हो उसको, कोशिका से भी छोटा है, ऐसे खरबों न्यूरॉन है। और साइंटिस्ट थोड़ी जानकारी पर पहुंचे हैं कि एक न्यूरॉन के अंदर एक के आगे 27 बिंदु लगा दो कितना भूल जाओगे, इतनी जानकारियां स्टोर हो सकती हैं। और 70 साल तक स्टोर होती रहे वो न्यूरॉन आगे ही बढ़ेगा। और ऐसे क्या है आपके दिमाग में? खरबों न्यूरॉन है। तो आप अपने दिमाग को बेटा कम क्यों आंक रहे हो? है भाई नक्स, मैं कमजोर हूं, मुझ पर ही कमजोर हुआ, घर वाले कहते हैं भूल जाता है, भूल जाता है। अरे कौन नहीं भूलता है इस धरती पर? अगर सारे सारी गंदगी याद रखने तो खोपड़ा फट जाए, और उसके एक एक कोशिका पता नहीं कहां कहां जाकर के वाष्पित होके उड़ जाए, इतना खबाड़ है, भूलते इसीलिए तो जिंदा है। तो इतना कीमती आपका समय है,
फिर आपके दुख नहीं हो इसका 2-5 साल बाद में कि हम पढ़ लेते तो हम भी आज जितेंद्र की तरह धर्मेंद्र की तरह डांस कर रहे होते, नरेंद्र की तरह हम भी देश के प्रधानमंत्री होते, देवेंद्र की तरह हम भी चुनाव लड़ते तू लोकसभा का। वो कहावत है ना अपने, जब चिड़िया चुग जाए खेत तो फिर पछताने से क्या हो। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी दुनिया बता देगी आपको और सब कुछ समय ही करता है, समय बलवान, ऐसा सुनते भी रहते हो लेकिन कभी इस बेचारे के बारे में तुम लोगों ने सोचा है क्या? सोचा है क्या? तुम सोचो, खुद का व्यक्तिगत सोच रखो, मेरे लिए समय कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे राष्ट्र के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और दो फोटो लगी हुई है उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था उस समय, चंद्रशेखर को अपनी गणपति में गोली मारना कितना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ही वाज डिक्लेयर्ड दैट नो वन कैन किल मी, कोई नहीं मार सकता मुझे, अंग्रेजों के साम्राज्य में इतनी ताकत नहीं है जो मुझे मार सके, उनके हथकड़ी में इतना दम नहीं है जो मुझे गिरफ्तार कर सके। और भगत सिंह तो बच्चों अलबेला, उसकी तस्वीर देखा कर क्या कमी छोड़ दी, न भूतों न भविष्य थी, ऐसा होना संभव नहीं। और आज भगत सिंह की आत्मा रोती होगी, हे माँ हे भारती मुझे फिर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसा देश चाह रहा था वैसा देश बना नहीं। आज भी करोड़ों बच्चे भारत में भूखे मर रहे हैं, शिक्षा से वंचित हैं, प्लास्टिक चुगते फिर रहे हैं। मैंने ऐसे देश का सपना नहीं देखा था, मुझे फिर आना पड़ेगा, ऐसी उसकी आत्मा कचोट रही है। इसलिए उसका काम बच्चों हमें करना है, हम लोगों को करना है, आप लोगों को करना है, क्योंकि देश आपके हाथों में आने वाला है कुछ कालखंड के बाद, तो फिर कहीं पछतावा नहीं हो। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा था गबलू गबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे, पछतावा नहीं हो, क्योंकि वर्दों का तो बर्थडे भी नहीं मनाते, भूल जाते हैं बेचारे, आपाधापी में तुम्हारे पापा ही भूल जाते हैं, 30-25 साल का आपका पापा भूल जाता है, वो बच्चों का ही बर्थडे मनाता है, अपना भूल गया बेचारा, आपाधापी कमाई समाई नौकरी चौकरी इनके चक्कर में पड़ के खत्म कर लेता अपने आप, बर्थडे नहीं मनाता है, ओ बच्चों को बर्थडे मनाता है। राम कृष्ण प्रेम हंस को सेव बहुत पसंद था, बहुत पसंद था, और भारी गजब का संत हुआ है राम कृष्ण प्रेम हंस, उनके ऐसी आसक्ति किसी चीज में होनी नहीं चाहिए। एक दिन विचार किया मैं इसे पीछा छुड़ाऊंगा, सेव को अपने पास रख लिया, मन करा ना खा ले सेव ही तो है फ्रूटी तो खा ले इसको, ना नहीं खाना, उसको हमेशा अपने पास रखता। कुछ दिन बाद में सेव सड़गल करके बदसूरत हो गया, तो उससे दुनिया को क्या शिक्षा मिली कि अगर हमने समय का मूल्यांकन ढंग से नहीं किया तो हम भी ऐसे एक दिन सड़गल करके वृद्ध होकर के बीमारियों के पुंज बन के एक दिन खत्म हो जाए। उससे मुक्ति पा ली उसने, तुम से चाय तक नहीं छूटे, मैंने था नहीं लेना मेरे विचारों को, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो। थोड़ा गौर किया करो, व्यक्तिगत सोच रखते, आप खुद सोचो, उसने कह दिया, इसने कह दिया, ये कह दिया, वो कर देना, खुद उस पर विचार करो। ओके थैंक यू।